हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफाली, अर्बन लाइफस्टाइल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, रिसेंटली मैं गवर्नमेंट नर्सरी लखनऊ, जो कि आलमबाग में स्थित है, वहाँ पर गई थी। तो बहुत ही एक प्यारी जगह है, लगा कि जैसे हम किसी ग्रीन ओशन में आ गए हैं। मैंने जो वहाँ पर विज़िट की, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। और सबसे ख़ास बात यह कि इतने रीज़नेबल और अनबिलीवेबल रेट्स में प्लांट्स वहाँ पर हैं। तो चलिए हम नर्सरी विज़िट भी करते हैं और देखते हैं कि हमने अपने प्लांट्स की शॉपिंग वहाँ पर कैसी की है। सब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, एक ओवरव्यू, एक ग्लिम्स नर्सरी विज़िट की। आइए चलते हैं। फ्रेंड्स, करीब 2000 स्क्वायर फिट के एरिया में प्लांट्स की सेल जहां पर होती है, ये वो एरिया है। और ये देखिए, वर्टिकल गार्डनिंग, जो कि चार डिफरेंट वैरायटीज़ के प्लांट्स, इसमें पिंक सिंगोनियम, ये देखिए नियोन पोथोल्स और लेडी पाम और ऊपर ग्रीन सिंगोनियम, इनको बहुत ही अच्छे से सिंक्रोनाइज करके लगाया है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। डबल चांदनी 20 रुपए की है। ये डबल चांदनी 20 रुपए की, ये वाला इसमें क्या होगा? फूल आते हैं। ये गुड़हल है 10 रुपए। अच्छा, ये कनेर 10 रुपए। ये ड्रेसिना कितने का है? ये 25 रुपए। अच्छा, ये सब लोग, आप लोग प्रोपोगेट करते हैं ना ये? जी। अच्छा, तो यहाँ पर हर सीज़न में मिलते हैं पौधे? हाँ, हमेशा मिलते हैं। अच्छा अच्छा, अब नेक्स्ट विजिट में कब पौधे आएंगे आपके यहाँ? अक्टूबर में आएंगे। अच्छा, तो अक्टूबर में हम फिर आएंगे तो आपको नई वेराइटी मिलेगी। हाँ, आपको नई वेराइटी। अच्छा, चलिए हमको और दिखाइए। शॉपिंग के बाद ये थोड़ा सा मैंने बाहर के एरिया को भी कवर करने की कोशिश की, जो कि लंच टाइम था और इस समय हम शॉपिंग और कर नहीं सकते थे। ये देखिए, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और चारों तरफ इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है कि बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए, प्लांट्स ले करके अब हम घर जा रहे हैं क्योंकि बारिश होने लगी है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या लिया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ये अपने, ये नियोन पोथोस। ये कलर मुझे बहुत पसंद आता है। ये देखिए कितना
मखमली सा इसका टेक्सचर होता है। फ्रेंड्स ये इतनी सस्ती शॉपिंग, तो मुझे लग रहा है कि जैसे फ्री में पौधे मिल गए हों। ये मैंने 3 लिए नियॉन पॉथोस, 1 और 2। एक शिफ्टिंग में थोड़ा सा डैमेज हो गया है, ये देखिए ये डैमेज हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे कटिंग करके प्रोपोगेट कर लूँगी। ये इसमें तो ये फ्रेंड्स मैंने ये देखिए एक ये देख रहे हैं इसमें कितनी ब्रांचेस हैं ये। और फ्रेंड्स ये मैं बिलीव भी नहीं कर सकते, ये आपको लोकल नर्सरी कहीं पर भी जाएंगे तो एक प्लांट इतना कम से कम 80 रुपीज़, या अगर इतना बुशील प्लांट लेते हैं तो कम से कम ये 100 रुपीज़ का देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मुझे ये मात्र 10 रुपये का एक मिला है। तो इससे सस्ती शॉपिंग और कुछ हो नहीं सकती है। ये मुझे लग रहा है कि जैसे मैं फ्री का ले आई हूँ। ये मैंने मीठी नीम लिया था, मीठी नीम का पौधा है ये, और ये भी आपको मार्केट में कम से कम 50 रुपीज़ का एक मिलता है, लेकिन ये मैंने 2 लिए और ये मैंने 10 रुपीज़ के एक लिए, यानी कि 10 रुपये का केवल एक। देखिए कितना बुशी है ये। ये फ्रेंड्स देखिए ये लिए हैं मैंने, ये कोलियस की एक वैरायटी, ये भी बहुत अच्छा पौधा, बहुत अच्छा ग्रो करता है, पूरे गार्डन को बिल्कुल भर देता है। इसमें भी कई कलर्स आते हैं, एक इस कलर का आता है, मरून कलर का, डार्क ब्राउन कलर का आता है, मैंने ये लिया है और ये मुझे 20 रुपीज़ ईच मिले हैं। अगर आप थोड़ा सा कह देंगे तो और भी उसमें ये 20 रुपीज़ के ईच मिले हैं। ये देखिए ये पिंक सिंगोनियम, ये बहुत खूबसूरत इसका कलर लगता है, ग्रीन सिंगोनियम तो सबके यहाँ होते हैं, ये पिंक सिंगोनियम बहुत ही खूबसूरत है। मैं इसको काफ़ी दिन से ही मेरी विश लिस्ट में था, तो मैंने इसको मिला तो मैंने तुरंत ले लिया, और ये फ्रेंड्स मात्र 20 रुपीज़ का है। ये मैंने 3 लिए हैं, ये बहुत सुंदर सा पौधा होता है ये। और फ्रेंड्स एक ये वैरायटी ली है, ये आप देख रहे हैं कितना ग्रीन, कितना बुशी, कितना है ये। ये सिंगोनियम की बिल्कुल एकदम नई वैरायटी मुझे लगी, ये देख रहे हैं, ये नॉर्मल सिंगोनियम से बिल्कुल अलग है। नॉर्मल सिंगोनियम की देखिए इस तरीके की लीव्स होती हैं बड़ी बड़ी, लेकिन इसकी लीव्स बिल्कुल पतली पतली स्लीक हैं। और ये मुझे विद पॉट मुझे केवल 40 रुपीज़ का मिला है। करेलिया लिया है, ये मुझे अपने हैंगिंग बास्केट के लिए चाहिए था, ये भी मैंने 2 लिए हैं, ये भी 20 रुपीज़ ईच के हैं। हर सिंगार का पौधा लिया है, ये केवल 10 रुपये का मिला है। और फ्रेंड्स ये जो है ये मैंने अपने ऐसे ही मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा इसकी कभी बोनसाई या कुछ है, ये फाइकस टाइप का है, ये हेज बनाने के लिए है, बहुत ही बुशी है, केवल 10 रुपीज़ का है ये। ये फ्रेंड्स लिया है मैंने बेल पत्र, सावन का महीना चल रहा है तो ये थोड़ा सा ग्रो करेगा, बेल पत्र खरीदने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ये मात्र 10 रुपीज़ का है। ये जो है ये रियो का पौधा है, ये देखिए कितना बुशी है, और इसको हैंगिंग बास्केट में आप लगा सकते हैं, और ये भी मुझे बहुत अच्छा मिल गया। देखिए इसकी फ्लावरिंग भी हो रही है, ये बड्स आप देख रहे हैं, ये फ्लावरिंग भी हो रही है इसकी, तो ये भी मुझे खाली केवल 20 रुपीज़ ईच मिला है। मैंने 2 लिए हैं, ये 20 रुपीज़ ईच है, ये केवल 2 लिए हैं मैंने। फ्लावरिंग देख रहे हैं आप, ये जो है ये चूँकि हाइब्रिड वैरायटी है, ये थोड़ा कॉस्टली था, लेकिन ये मार्केट में तो और भी वैसा मिलता है, महंगा मिलता है। ये सिंगापुरी एक्जोरा है, ये 75 रुपीज़ का था, लेकिन उन्होंने मुझे ये 60 रुपीज़ में ये दे दिया है, और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी सीज़न में, तो ये बहुत ही प्यारा सा लगा। ये 60 रुपीज़ का है, सबसे कॉस्टली यही मिला अगर देखा जाए उनके कंपैरिजन में, वरना नर्सरी में तो हम लोग को एक सिंगल पौधा ही 50-60 रुपीज़ से कम का नहीं मिलता है। ये ऑलरेडी मेरे पास था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा भी लगा और बहुत सस्ता था, इसलिए मैंने ले लिया। ये डर्सीना का प्लांट्स इतना बुशी, और ये मुझे केवल 20 रुपीज़ का मिला है फ्रेंड्स। ये इसकी पीली लीव्स हम लोग को हटा देनी है, ये सिर्फ 20 रुपीज़ का मिला है मुझे, यही ले लिया मैंने। ये मुझे अंगूर की बेल मिल गई 10 रुपये की, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं इसको देख करके, 10 रुपीज़ का है, और देखिए कितना प्यारा, ये देखिए इसकी लीव्स भी आ रही हैं, ये इसमें नई शूटिंग हो रही है, ये लीव्स भी आ रही हैं इसमें, तो ये मात्र 10 रुपीज़ का है। ये हाइब्रिड वैरायटी है, ये भी जो है ये करीब 20-20 रुपीज़ के हैं। ये 2 हाइब्रिड वैरायटी के मैंने गुड़हल ले लिया, अब इनका कलर कौन सा निकलेगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी कलर निकलेगा बहुत प्यारा निकलेगा ये मुझे मालूम है। अब फ्रेंड सबसे ह्यूज शॉपिंग जो मैंने की है वो मैंने क्रोटॉन की है, आप देख कर दंग रह जाएंगे। ये देखिए ये फ्रेंड्स देख रहे हैं ये कितना बुशी है, और इसकी देखिए लीव्स बिल्कुल अलग स्टाइल की हैं, ये देखिए ये लीव्स, ये देख रहे हैं, ये इनका एक बिल्कुल अलग सा शेप है,
ये नॉर्मल लीव से अलग है और कितनी लंबी लीव्स, और सारी लीव्स लगभग भरी हुई हैं। ये देखिए ये वैरायटी, इसकी भी देखिए कितनी लंबी लंबी लीव्स है। क्रोटन की वहाँ पर ढेरों वैरायटी थी जो कि मैंने लिया। ये देखिए सब लीव्स है, कोई लीव्स कटी फिटी नहीं है। ये एक क्रोटन लिया और एक ये लिया, ये वाला क्रोटन। ये देखिए बड़ा पेड़ है, धीरे धीरे ये भी बुश ही हो जाएगा। देख रहे हैं इसकी लीव्स कितनी हेल्दी है ये। और ये लिया मैंने क्रोटन, देखिए देख रहे हैं फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा ब्रांचेस, देखिए इसकी ये ब्रांचेस देखिए 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसको प्रोपगेट करूँ तो मैं कम से कम इससे 4 बना सकती हूँ। ये देखिए ब्रांचेस देख रहे हैं कितने अच्छे लीव्स हैं। और ये तो ये मैंने फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मैंने केवल 40 रुपीज़ का लिया। तो फ्रेंड्स ये मैंने सारे प्लांट्स जो अभी राजकीय उद्यान या गवर्नमेंट नर्सरी लखनऊ से जो ख़रीदे हैं, ये आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी? मुझे तो फ्रेंड्स बहुत ही बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे सस्ता मैंने आज तक कभी प्लांट्स मैंने नहीं परचेज़ किए हैं। तो अगर आपको ये मेरी शॉपिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं जल्दी ही कि अगले वीडियो में, कि इनको मैंने रिपोर्ट करने के लिए कौन से प्लांट्स में, प्लांटर्स में लगाया इनको, किस तरीके से हमने कहाँ कहाँ अरेंजमेंट कैसे किया है, वो मैं अगले वीडियो में आपसे पूरा डिटेल शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय एंड टेक केयर।